अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सरा डिज़ाइंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बेल्ट वाली शलवार में हम पॉकेट किस तरह से लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और आसान सा तरीका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने पॉकेट की कटिंग करेंगी। यहाँ पर मैंने जो है शलवार का सेम फैब्रिक लिया है और यहाँ पर मैं जो है पॉकेट की लेंथ रख रही हूँ, वो हम रखेंगे 15.5 इंच पे। इस तरह से निशान लगाएंगे, अपनी पॉकेट की विड्थ का निशान लगाएंगे। पॉकेट की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 6 इंच। तो इस तरह से हम ऊपर तक 6-6 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद जो है अपने पॉकेट की कटिंग कर देंगे। इस तरह से जो है हमारा कुछ पॉकेट आएगा। अब इसकी स्टिचिंग की तरफ, यहाँ पे मैंने जो है अपनी शलवार को सी लिया है और इसमें जो है ये प्लीट्स भी लगा लिए हैं। मुझे जो यहाँ पे पॉकेट लगाना है वो अपनी दाईं तरफ से लगाना है, तो मैं जो है अपनी दाईं तरफ से निशान लगाऊंगी। अगर आपको बाईं तरफ से लगाना होगा तो आप बाईं तरफ से निशान लगाएंगे। इस तरह से अपनी शलवार की सेंटर से आसन पॉइंट से हम जो है 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर इस 5.5 इंच से जो है हम 5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। ये जो है हमारे पॉकेट का मुंह होगा। यहाँ पे जो है आपको अपने बेल्ट को भी सी लेना है, बराबर से उसको भी तैयार कर लेना है। मैंने जो है बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हम जो है यहाँ पे अपने बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हम जो है बेल्ट के सेंटर को शलवार के सेंटर के साथ मिला के इसको जो है सी देंगे। सेंटर से सेंटर मिलाना है हमें, शलवार का सामने वाला सेंटर और बेल्ट का सामने वाला सेंटर। ये देखिए बराबर से रखना है हमें, और इतना हिस्सा जो है हमें वो खुला रखना है। इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि इसमें जो है हम आगे चल के इसके पॉकेट लगाएंगे। चलिए मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। निशान के एक हिस्से से हम इसे बराबर से पकड़ते हुए सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें जो है बराबर से रखना है अपनी शलवार को बेल्ट के ऊपर। पीछे वाले सेंटर को भी बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे इसमें। और यहाँ पे जब हम दूसरे पॉइंट के पास पहुँचेंगे तो वहीं तक हम इससे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये जो है हमारी सिलाई लग गई है और इतना हिस्सा जो है हमने खुला रखा है, इसको जो है हमने अटैच नहीं किया है बेल्ट को शलवार के साथ। देखिए अब हम जो है इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट लिया है और ये इसका उल्टा साइड है। अब यहाँ पे जो है हम अपनी शलवार को लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर पॉकेट रखेंगे। अपनी पॉकेट का उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा वाला साइड नीचे की तरफ। और सबसे पहले जो है हम पॉकेट के एक हिस्से को जो है शलवार के हिस्से के साथ लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस तरह से रखना है हमें बराबर से, और इसमें जो है सिलाई लगा देनी है। और ये जो है हमारा एक हिस्सा लग गया है। अब हम जो है अपनी पॉकेट की दूसरी तरफ को बेल्ट के साथ लगाएंगे। इस तरह से पॉकेट को ऊपर की तरफ लाएंगे और इसको जो है दूसरे हिस्से के साथ सिल देंगे।
पॉकेट के दोनों हिस्से जो है हमने सिल दिए। उसके बाद जो है हम अपनी पॉकेट की साइडों में सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो है हम इस तरह से इसको निकाल देंगे। इसी तरह से जो है हम दूसरी तरफ को भी स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये जो है हमारा पॉकेट लग गया है शलवार के साथ। अब यहाँ पे जो है हम अपनी शलवार के कोनों पे जो है ठोका लगाएंगे। कभी जब हम तेज़ी से अपने शलवार में हाथ भरते हैं तो उस वक्त जो है इसके कोने कट जाते हैं, तो ठोका लगाने से जो है इसमें मजबूती हो जाती है और हमारी जेब कटने के जो है कम चांस रहते हैं। इस तरह से एक तरफ से लगा दिया, अब हम जो है दूसरी तरफ से भी लगा देंगे। और यहाँ पे ये ठोका लगाने के बाद हमारी जो है ये पॉकेट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बराबर मैं जो बेल आइकन है वो दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।